वेलकम बैक माई न्यू ब्लॉग गाइस, मैं पूनम वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने ब्लॉग में। सो गाइस, गुड मॉर्निंग हो चुकी है। आज हम लोग 5 बजे उठ गए थे क्योंकि हमारी हो गई है कोच ट्रेनिंग स्टार्ट। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं एक हाउस वाइफ के साथ साथ एक फिटनेस कोच भी हूँ। तो हमारी मॉर्निंग में और 5 बजे से कोचेस क्लास शुरू हो गई है, जहाँ पे हमें और ज़्यादा अच्छी वाली ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की फ़िट रहने में हेल्प कर सकते हैं। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है ना, तो मौसम जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है और इस टाइम पे ना बाहर घूमने फिरने में मुझे बहुत मज़ा आता है। आप ज़रूर घूमा करिए, और ऐसे फिज़िकल एक्टिविटी करने से हमारा जो तनाव है वो दूर होता है। तनाव मुक्त लाइफ अगर हमें जीनी है तो हमें सुबह और शाम को योगा वर्कआउट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी फ़िटनेस का 20% रोल है और 80% रोल होता है हमारे जो भी हम सुबह से शाम तक खाते हैं। ठीक है, तो मैं ज़रूर करती हूँ। और अभी मेरा जो मंथली साइकिल है वो स्टार्ट हो गया है, तो बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट मैं नहीं करती हूँ जब मुझे पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं तो। और यहाँ पे ये जो पौधे हैं, ये मैंने ये वाला जो पौधा है वो छोटे छोटे पत्तों वाला, वो ना छोटे गमले में था तो वो मैंने बड़े गमले में लगा दिया है। और ये बड़ा वाला जो पौधा अभी बारिश की वजह से चलना स्टार्ट हो गया, बहुत अच्छे पौधे हो रहे हैं इस टाइम। और यश भी किट्टू को हो गए हैं एग्ज़ाम स्टार्ट, तो ये दोनों जल्दी से उठ गई हैं और अभी यश भी सोई हुई है, तो मैं चलती हूँ उसे भी उठाती हूँ जल्दी से। तो ये देखो, ये अभी तक सोई हुई है और लड्डू भी अभी सो रहा है इसके पास में ही है। लड्डू को हमेशा अपने पास में ही सुलाते हैं। तो ये दोनों बहनें जो हैं वो अंदर ही सोती हैं, बाहर हम दोनों सोते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड बाहर सोते हैं हम रूम के। तो 2 फोल्डिंग हमने बाहर डाल रखे हैं, वहाँ पर हम दोनों सोते हैं और ये पढ़ते पढ़ते यहीं पे सो जाती हैं अंदर ही। और अभी बारिश का मौसम हो रहा है ना, काफ़ी बारिश भी हुई है हमारे यहाँ पे, तो मौसम ठंडा है, अंदर गर्मी नहीं लगती है। और जिस दिन धूप निकल आती है उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया है। अभी सुबह के 6:30 बजे का टाइम हो गया है समथिंग, और जो हमारा फिट क्लब है वो भी स्टार्ट हो गया है। तो फिट क्लब में आज जो मेरे हस्बैंड हैं वो आज वही संभाल रहे हैं, क्योंकि वो आज होस्ट हैं क्लब में। तो मॉर्निंग का क्लब जो चलता है हमारा ऑनलाइन जूम कॉल पर, वो मेरे हस्बैंड संभालते हैं, और इवनिंग का जो क्लब चलता है वो मैं संभालती हूँ। लेकिन हाँ, बहुत सारे कोचेस हैं तो नंबरवारी से सब लोग संभालते हैं। और यहाँ पे मैंने झाड़ू लगाने के बाद सारे में पोछा भी लगा दिया है, और बच्चे जाएंगे स्कूल तो जो मेरी छोटी बेटी है वो तो जल्दी जाएगी, तो अभी मेरा खाना जो है वो बना नहीं है, थोड़ा लेट ही खाना बनाऊँगी। और जो शेक है, मेरी बेटी जो है वो डायना शेक की बहुत ज़्यादा शौकीन है, उसका फेवरेट है, तो वो वही पी के जाएगी। डायना शेक क्या है, बच्चों का न्यूट्रिशन होता है, हेल्दी न्यूट्रिशन, जो रिक्वायरमेंट बॉडी की बच्चों की खाने से पूरी नहीं हो पाती है वो शेक से पूरी हो जाती है। इसलिए मैं अपने बच्चों को हमेशा न्यूट्रिशन मतलब देती हूँ पीने के लिए। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन हम लोग यूज़ करते हैं, और मेरे हस्बैंड भी हर रोज़ मॉर्निंग में शेक ही पीते हैं। तो सुबह सुबह बहुत ज़्यादा खाने की रिक्वायरमेंट घर में नहीं होती है, तो जैसे हस्बैंड और बच्चे शेक पी लेते हैं तो कभी कभी मैं भी पी लेती हूँ, या फिर पोहा वगैरह हम लोग बना लेते हैं। एंड अभी सारे में मैंने साफ़ सफ़ाई कर दी है, और बाहर तक साफ़ सफ़ाई कर दी है, किचन में अंदर रूम में सारा सामान सेट कर दिया है, और यहाँ पे मैंने अपनी दांत भी साफ़ कर लिए हैं और फेस वॉश भी कर लिया है। तो मैं फ़ेस वॉश यूज़ करती हूँ पपाया का, जॉय कंपनी का है, और पपाया का मतलब बहुत अच्छा फेस वॉश है, काफ़ी मतलब अच्छा लगता है, यू नो, फेस पर एकदम फ्रेशनेस आ जाती है और बहुत ज़्यादा मतलब रूखा सूखा सा नहीं लगता है, तो काफ़ी अच्छा रहता है फेस। और मैं ऊपर से बेबी क्रीम लगाती हूँ। तो हाथ मुँह धोने के बाद ना मैं चली गई थी नहाने के लिए, और यहाँ पे जो मेरी बेटी है उसको मैंने डायना शेक बना के दे दिया है, तो वो डायना शेक पी रही है और वो रेडी हो गई है। तो उसका जो एग्ज़ाम है वो 8 बजे से स्टार्ट होगा, और जो बड़ी बेटी है उसका एग्ज़ाम 11 बजे से स्टार्ट होगा, तो वो 11 बजे जाएगी। और यहाँ पर मैं इसकी चोटी बना देती हूँ, क्योंकि इसको खुद से चोटी बनाना नहीं आता। फ्राइडे, तो सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछा सारा सफाई वफाई सब हो गई है, मैंने ग्रीन टी भी पी ली है, सारे कपड़े भी वॉश करके डाल दिए हैं मैंने बाहर। जो मेरी छोटी बेटी है उस यानी दोनों बेटियों के ही आज से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, तो जो छोटी बेटी है उसका एग्ज़ाम सुबह से ही है, और जो बड़ी बेटी है वो बाद में जाएगी, यानी 11 बजे 11:30 बजे जाएगी, क्या 11 बजे जाएगी, तो बोल रही है अंदर से 11 बजे जाएगी।
और छोटी बेटी की कल्पना वो चली गई एग्जाम के लिए, तो आज मैंने बाल धो लिए हैं। एंड अभी आ गई हूँ मैं किचन में, तो हस्बैंड जी है ना वो तैयार हो गए हैं और बोल रहे हैं कि मेरे लिए शेक बना दो क्योंकि वो खाना नहीं खाते हैं। तो आज क्या था ना, मैंने थोड़ा सा पोहा बनाना है, तो मेरी बेटी है ना वो पोहा खाने की ज़िद कर रही है और हस्बैंड बोल रहे हैं कि मुझे शेक दे दो। तो उनका तो फेवरेट है शेक, तो वो शेक के बिना तो रह ही नहीं सकते हैं, तो उनको डेली शेक ही चाहिए। वो अलग बात है कि कभी कभी मैं ब्रेकफास्ट में कुछ हेल्दी चीज़ बना लेती हूँ, जैसे कि पोहा हो गया, चीला हो गया, है ना, तो ये चीज़ें खा लेते हैं, वो बहुत शौक़ से खाते हैं। पोहा तो उनका फेवरेट है, यू नो, तो पोहा तो बहुत अच्छे से खाते हैं। अगर शेक भी पी लिया है ना तो पोहा तो वो ज़रूर खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने शेक बना के तो हस्बैंड को दे दिया है और थोड़ी शिमला मिर्च, प्याज और मैंने गाजर चॉप कर लिया है बारीक, और अब बनाऊंगी मैं पोहा। तो मैंने पोहा को वॉश करके 5 मिनट पहले ही रख दिया है, ज़्यादा देर के लिए मैं भिगो के नहीं रखती हूँ। पोहा जितनी जल्दी मतलब धो के हम लोग ज़्यादा देर के लिए रख देते हैं ना तो वो ख़राब हो जाता है, तो बस 5 मिनट पहले ही मैंने रखा है। तो यहाँ पे मैंने सब्जियाँ जो हैं वो डाल दी है कढ़ाई में, और जीरा राई का और हरी मिर्च का मैंने तड़का लगाया है क्योंकि मेरे पास ना जो करी पत्ता होता है वो है नहीं अभी। करी पत्ते का छौंकना बहुत अच्छा लगता है, अगर आपके घर में करी पत्ता है तो पोहा में प्लीज़ करी पत्ता ज़रूर डालिएगा। और लेमन आप खाना पसंद करते हैं तो पोहे में लेमन भी डाल सकते हैं, आप नींबू का रस डाल सकते हैं, लेकिन बहुत लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ क्योंकि मैं लहसुन भी खाना पसंद नहीं करती हूँ, तो सिर्फ प्याज का ही बनाती हूँ। और बेजेस आप जितनी भी डालना चाहें डाल सकते हैं, आप मटर खाना चाहते हैं तो मटर भी डाल सकते हैं, आलू भी, बॉयल आलू भी आप डाल सकते हैं, पोहा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और पोहा जो है प्रोटीन और फाइबर से भरपूर है, यानी बहुत अच्छा रहता है और डाइजेस्टिव हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। तो ये देखिए मेरा पोहा बनके तैयार है ना, एकदम टेस्टी सा, यमी सा। और यहाँ पे हमारे लड्डू ने भर के गिलास दूध ले रखा है और यहाँ पे पोहा भी लिया है, तो लड्डू को भी मैंने भोग लगा दिया था, पहले तो उसको दूध पिलाया और उसके बाद इसको पोहा खिलाया था और उसके बाद फिर मैंने भी पोहा खा लिया था, और बच्चों को, हस्बैंड को, सबको मैंने दे दिया था क्योंकि यशवी किट्टू जो है वो चली गई थी एग्ज़ाम के लिए, सिर्फ यशवी को खाना था तो यशवी को मैंने दे दिया था पोहा, नहा धो के वो भी तैयार हो गई है। और कढ़ाई में थोड़ा सा पोहा और बाकी बचा था, तो मैंने हस्बैंड को बोला कि थोड़ा पोहा बचा है आपको खाना है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है दे दो, तो उन्होंने शेक भी पी लिया है, तो डबल मील ले लिया है अभी उन्होंने। तो आज दोपहर का लंच उनका थोड़ा लेट होगा, तो मैं भी थोड़ा आराम से ही आज का लंच बनाने वाली हूँ। तो हस्बैंड ने पोहा खा लिया था और वो चले गए थे ऑफिस, और मैं आ गई हूँ अभी किचन में। तो किचन को पहले मैंने अच्छे से पूरे स्लेब को अच्छे से साफ़ कर दिया है क्योंकि मैंने पोहा बनाया था और काफ़ी ऑयल वगैरह और जो राई होती है ना वो कढ़ाई से निकल निकल के सारे में भाग जाती है ना, तो पूरे चूल्हे पर वो हो गई थी, सारा साफ़ कर दिया है। जितने भी बर्तन थे वो नाश्ते के सारे मैंने यहाँ पर वॉश करके रख दिए हैं, सिंक को भी मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है। तो आज का जो भी काम मैंने किया है, यानी जो भी नाश्ता बनाया है वो नहा धोकर ही बनाया है। और टाइम तो मैं थोड़ा लेट उठती हूँ ना, यानी 6 बजे उठती हूँ, तो मैं पहले ही नाश्ता बना लेती हूँ, खा लेती हूँ और उसके बाद ही नहाने धोने का जो काम है वो करती हूँ। तो ये मेरे पास तांबे का लोटा है जो कि पूजा में रखा जाता है जल भरने के बाद में, तो ये ना बहुत ज़्यादा काला हो गया, तो नींबू और नमक से ना इसको मैंने एकदम चिट्टा बना दिया है, ये देखो बिल्कुल एकदम बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो बहुत शानदार। और अभी मैं कर रही हूँ यहाँ पे खाने की तैयारी, तो खाने में आज बन रहा है लौकी की सब्ज़ी, और मैंने हस्बैंड को बोल दिया है कि आप ना दही लेते आना उधर से, क्योंकि रात को मैं दूध भी लाई थी और थोड़ा सा दही लाई थी जामुन के लिए, तो मुझे था कि मैं रात में ही दही बनने रख दूँगी, तो मैंने रात तो नहीं डाला था दही बनने के लिए, आज शाम को मैं दही बनने के लिए ज़रूर रखूँगी। तो यहाँ पर लौकी भी बन के मेरी तैयार हो गई है, और इधर मैंने तड़का लगा दिया है हरी वाली जो ऑनियन रहती है, स्प्रिंग ऑनियन, और मैंने यहाँ से टमाटर का तड़का लगाया है, बहुत ही टेस्टी वाली खुशबू आ रही है, यू नो, बहुत अच्छी लगती है मुझको, और ना ऐसे ही लौकी मुझे बहुत अच्छी लगती है, और लौकी हमें ज़रूर खानी चाहिए, लौकी और तोरी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा खानी चाहिए गर्मी के टाइम पर स्पेशली, क्योंकि ये ना हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ को जो है वो ठंडा रखती है। अगर आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, डाइजेस्टिव हेल्थ ख़राब रहती है, आपको लूज मोशन जल्दी होते रहते हैं, तो आप लौकी की सब्ज़ी ज़्यादा से ज़्यादा खाइएगा, और ये ना बहुत अच्छा पेट को रखती है। और मैंने खाना खा लिया है, और किट्टू अभी सो रही है, यशवी का एग्ज़ाम है, तो पेपर वर्क अभी आई नहीं है, खाने वाली है, और हस्बैंड भी आने वाले हैं खाना खाने के लिए,
और मैंने भी खाना खा लिया था, लड्डू ने भी खा लिया था खाना। तो मैं खाना खाने के बाद इस आसन में ज़रूर बैठती हूँ, 5 मिनट बैठती हूँ, अगर ज़्यादा टाइम होता है तो 10 मिनट भी बैठ जाती हूँ। ये वज्रासन में बैठना बहुत ज़रूरी होता है, इससे ना हमारा जो डाइजेस्टिव हेल्थ है वो एकदम फास्ट होता है। हमारा जो खाना होता है दोपहर का लंच जो हम करते हैं वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। और यहाँ पे जो मेरी बेटी है वो एग्ज़ाम करके आई है, तो मैं बस वही पूछ रही थी उससे कि उसका आज का जो एग्ज़ाम है वो कैसा गया, यानी पहला एग्ज़ाम कैसा गया है। तो वो कुछ चीज़ें उसकी रह गई हैं, तो मैं इससे बस वही बोलती हूँ कि थोड़ा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करे पढ़ाई पे। वो टीवी चला के कभी कभी पढ़ाई करती है ना, तो मैं बस वही उसको मना कर रही थी। और अभी शाम का टाइम है, 5 बजे का टाइम है, बच्चे ट्यूशन चले गए हैं, दोनों बेटियां मेरी ट्यूशन जाती हैं, तो वो ट्यूशन चली गई हैं अभी। और मैं यहाँ पे लग गई हूँ शाम की साफ़ सफ़ाई में, तो बहुत सारा काम हो जाता है। जितना भी सामान है बहुत ज़्यादा फैला के रख देते हैं बच्चे, तो मैंने आज सुबह में इतना ज़्यादा सामान की समेटा समाटी नहीं की थी, तो मैंने सोचा चलो अभी सारा जो सामान है वो सेट से रख देती हूँ। पूरा बेड की जो चादर है वो पड़ती हैं, किताबें ले लेके तो सारा खराब कर देती हैं बेड की चादर को, तो मैंने पूरी बेड की चादर अच्छे से बिछा दी है। और यहाँ पे जो किचन है उसकी भी साफ़ सफ़ाई करनी है अभी। और जो खाना मैंने दोपहर में बनाया था, तो सारे बर्तन भी मुझे वॉश करके रखने हैं। और इधर कॉर्नर में भी ना बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, ऊपर जाल है तो वहाँ से धूल वगैरह बहुत ज़्यादा आती रहती है, तो इधर भी साफ़ सफ़ाई करनी पड़ती है। और अभी मेरा इवनिंग का जो क्लब है वो स्टार्ट हो गया है। जीना नहीं चढ़ पाती थी मेरे घुटनों का चैलेंज, क्योंकि मैं 4 साल से 2 साल मैंने ऐसे किया कि वजन को घटाने के लिए यूट्यूब से मैंने जीरा पानी, नींबू पानी, मेरे जैसे है ना सभी, क्योंकि हमें इतना ही पता है जीरा पानी पियेंगे, नींबू पानी पियेंगे तो हमारा वजन घट जाएगा। मैंने क्या किया कि मैं 2 साल से रात का खाना बिल्कुल अवॉइड करने के बाद, रात का खाना बिल्कुल हटा दिया था, उसकी जगह 2 गिलास सहज पानी, नींबू पानी पीती थी, जिसके कारण मेरे घुटनों में चैलेंज आया। जो घुटनों का हमारा ग्रीस होता है ना कैल्शियम, ज़्यादा एसिड की वजह से वो मेरा खत्म होने लगा, जिसकी वजह से मुझे दिक्कत क्या आई कि मैं जो चल फिर पाती थी ना वो भी चलना फिरना मेरा मजबूर हो गई थी, बिल्कुल चल नहीं पाती थी। लेकिन थैंक्स करेंगे दिल से अपने कोच के लिए सभी, कि आई होप यहाँ पे हमारे कोई ना कोई न्यू गेस्ट भी बैठे हो सकते हैं जो हमारे क्लब मेंबर्स हैं उनके लिए भी, क्योंकि जब मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो देखा कि बहुत बहुत अच्छे से उम्र में भी वजन घटा रहे थे। और जब मैंने एक यहाँ पे एक महिला थी जिन्होंने ये बोला कि मेरी 60 साल की उम्र है और मैंने अपना 15 किलो वजन कम करके यहाँ से अपने घुटनों का दर्द ठीक किया है, तो मैं वही कनेक्ट हुई कि अगर इनका हो सकता है 60 साल की उम्र में, तो अभी हमारी तो 23 साल की उम्र है। तो यहाँ से कंटिन्यू से क्लब को ज्वाइन किया और पहले महीने में 5 kg अपने कोच की गाइडेंस में मैंने अपना फैट लॉस किया। तो क्लैपिंग कर सकते हैं सभी। तो हे गाइस, गुड इवनिंग। और अभी आ गई हूँ मैं किचन में, तो किचन में जितने ही बर्तन वगैरह थे वो मैंने सारे वॉश कर दिए हैं। और अभी मैं सुबह की तैयारी कर रही हूँ, तो मैंने थोड़ा सा दही बनने के लिए रख दिया है। तो इसमें मैंने दही बनने के लिए रख दिया है और आज ना मैंने चावल बनाए थे दिन में, तो इतनी सारी रोटियाँ ये बच गई हैं, तो इनको मैं फ्रिज में रख दूंगी और सुबह बच्चों को यही खिलाऊंगी, पहले ये खत्म होगी कल तब बनेंगी रोटी। रोटी को मैं बिल्कुल ख़राब नहीं जाने दूंगी, इसे सुबह मैं खा लूंगी या बच्चों को खिला दूंगी कुछ है ना। तो अभी मुझे सुबह की तैयारी करनी है कि मुझे सुबह क्या बनाना है। तो और मैं निकाल रही हूँ अभी छोले, तो काफ़ी टाइम से ना छोले बने नहीं है मेरे घर में, तो मैंने सोचा चलो रात को छोले भी खा के रख देते हैं। और मुझे सुबह में चीला भी बनाना है, तो मैंने ना थोड़ी सी मूंग की दाल जो है वो भी निकालनी है, उसको भी भिगा के रखना है। तो छोले काफ़ी टाइम से बने नहीं है, और छोले राजमा ऐसी चीज़ होते हैं कि बारिश का जब मौसम होता है ना तो इसमें जल्दी से घुन होने का खतरा रहता है। तो अभी बाहर बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं हो रही है कि मैं इनको सुखाने रख दूँ, तो मुझे लग रहा था कि इनमें भी ना कोई घुन आने लगा है। तो अब आज मैं भिगा के रख दूंगी और कुछ छोले मैं 2-4 दिन के बाद फिर बना लूंगी, ताकि जल्दी से ये ख़त्म हो जाए और इसमें जो कीड़े हैं वो ना लगे। तो अगर धूप निकलेगी कल तो मैं इनको धूप में सुखा दूंगी। और दाल जो होती है ना, दालें इस टाइम पे ना बहुत जल्दी ना इन पर घुन सूड़ी वगैरह आ जाते हैं, इनको कीड़े पड़ जाते हैं जल्दी से बारिश के मौसम में, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
और यहाँ पे जो दाल है वो मैंने निकाल ली है, इसको भिगा के रख दूंगी मैं अभी रात को ही, तो सुबह उठ के हम मूंग की दाल का चीला बनाएंगे। किस किस का पसंद है मतलब चीला, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी हस्बैंड जॉब से आ गए हैं और वो फ़ोन पे बात करते रहते हैं किसी न किसी से, क्योंकि हम कोच हैं तो सभी जितने भी वेट लॉस कर रहे हैं लोगों से उनसे बात करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं इनकी वीडियो शूट कर रही थी तो मना कर रहे थे कि ये वीडियो मत डालना मेरी, निकाल दे। तो यहाँ पे अभी मैंने सुबह भी शेक दिया था इनको बना के और शाम के डिनर में भी ये शेक ही पी रहे हैं। तो आज जो दोपहर में लौकी बनी थी ना वो थोड़ी सी बची है, तो खाना मैंने शाम को बिल्कुल भी नहीं बनाया था, सिर्फ दोपहर में ही लौकी चावल का जो है लंच मैंने बनाया था और अब शाम को कुछ नहीं बनाया। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा कमेंट में प्लीज़, और राधे राधे तो ज़रूर लिखा करो आप ना मेरी वीडियो पे। तो गाइज आज का ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मैं मिलूंगी कल दूसरी वीडियो लेके बहुत शानदार वाली, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे। चैनल पे आप लोग नए आते तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें। ओके बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल फ्रेंड, बाय बाय।